के बोलना है फिर। ठीक तो हम आईडी देख लेंगे जब खत्म होगी तो। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत द्विवेदी, आप देख रहे हैं S7 न्यूज, अपना शहर अपनी खबर। आज हमारे साथ में उत्तर प्रदेश के कैबिनेट पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे मौजूद हैं, जिनसे हम कर रहे हैं खास बातचीत। हम आपको बताएं कि S7 के संवाद कार्यक्रम में आज पूर्व मंत्री कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे जी आए हैं, उनसे हम लोग खास बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम संवाद में। सबसे पहला सवाल, COVID-19 चल रहा है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि लोग भ्रमित हैं, परेशान हैं, कैसा लगता है आपको देख के, क्या लग रहा है? देखिए, ये एक वैश्विक महामारी है जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आज इस वैश्विक महामारी COVID-19 से आज विश्व परेशान है और भारत भी उससे अछूता भी नहीं है। और हम समझते हैं कि आज माह फरवरी के बाद से लेकर अभी तक भारत देश में भी इसने बहुत तेज़ी से अपने पैर पसारे हैं। रोगियों की बढ़ती हुई संख्या कहीं ना कहीं भारत देश के लिए भी आज एक चिंता का सबक बनी हुई है। और जिस तरीके से लगातार यहाँ पर इसके ग्रोथ रेट बढ़ रहे हैं, और आज हम कह सकते हैं कि अगर विश्व पे हम देखें तो आज तीसरे नंबर पर भारत भी कोविड पेशेंट की संख्या में आज कहीं ना कहीं खड़ा हुआ है। अब जहाँ तक एक तरफ COVID-19 हम सबके सामने चुनौती है, वहीं आज बड़ी चुनौती भारत देश के सामने भारत देश की गरीबी भी है, अशिक्षा भी है, कहीं ना कहीं संसाधनों का अभाव भी है, बेरोजगारी भी है, ये भी कहीं ना कहीं हमारे देश के सामने संकट है। और हम समझते हैं कि इस संकट में जहां देश और केंद्र की सरकार और राज्य की सरकारों के साधन और संसाधन काम आएंगे, वहीं लोगों की जागरूकता, जितनी अत्यधिक जागरूकता बढ़ेगी इस क्षेत्र में, वो भी कहीं ना कहीं इसमें मददगार होगी। आप ऊंचाहार से विधायक भी हैं, किस तरह से प्रयास किए गए आपके, क्योंकि आपके स्थानीय लोग काफ़ी आपसे जुड़े हुए हैं, लगातार हम लोग देख रहे थे फेसबुक ट्विटर में आपके द्वारा जिस तरह से प्रयास किया, थोड़ा सा उस बारे में कुछ शेयर करिए। देखिए, हमने कहा कि ये महामारी है, देश में कुछ आपातकालीन परिस्थितियाँ होती हैं, वो देश में युद्ध की भी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जी, देश में महामारी का संकट हो सकता है, बाढ़ हो सकता है, भूकंप हो सकता है, कुछ संकट ऐसे आते हैं देश के सामने जहाँ सबको साथ खड़ा होना पड़ता है। ऊंचाहार से लगातार निर्वाचित विधायक होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी थी कि बड़ी संख्या में जो हमारे यहाँ के आप्रवासी मजदूर, जो कोई महाराष्ट्र में, तो कोई गुजरात में, तो कोई अहमदाबाद में, तो कोई सूरत में, तो कोई हरियाणा में, तो कोई उत्तरांचल में, तो कोई पंजाब में, कोई चंडीगढ़ में, इस तरह बड़ी संख्या में लोग रोजगार के साधन और संसाधन ढूंढने के लिए और अपने पेट को, परिवार को पालने के लिए बाहर भी आप्रवासी मजदूर वहाँ पर रहते हैं और काम करते हैं। लॉकडाउन हुआ 22 तारीख को, जनता कर्फ्यू हुआ और 23 तारीख की शाम को ये घोषणा हो गई देश के प्रधानमंत्री जी की तरफ से कि अब देश में लॉकडाउन घोषित किया जा रहा है, लोगों को आने का मौका नहीं मिला, कल कारखाने बंद हो गए, उद्योग बंद हो गए। और जहां पर कहीं कुछ लोगों ने मानवता का परिचय दिया कि अपने कल कारखाने के मजदूरों की मदद करने का, उनको खाने का और कुछ एडवांस देने का काम किया, वहीं बड़ी संख्या में ये दुखद बात है कि ये भी दृष्टांत आए कि लोगों ने फैक्ट्री बंद कर दिया, यहाँ तक कि पिछला भी वेतन नहीं दिया और लोगों को बेघर कर दिया और रोजगार से बाहर कर दिया। बड़ी संख्या में लोग भूखे रहे, खाना नहीं मिला उन्हें, दवा नहीं मिली उन्हें, रहने की व्यवस्था उनकी दिक्कत हो गई, किराए नहीं दे पाए। और ऐसे लगभग 17,000 लोग हमारी ऊंचाहार कॉन्स्टिट्यूंसी के, वो देश के विभिन्न राज्यों में, प्रांतों में फंसे रहे और शहरों में फंसे रहे। उन्होंने हमसे संपर्क किया, हमने जो स्टेट की तरफ से नोडल अफसर बनाए गए थे उनके माध्यम से, उस राज्य के नोडल अफसर के माध्यम से उनके रहने की, उनकी खाने की, उनके अन्य व्यवस्थाओं की, उनकी इलाज की व्यवस्था की हमने प्रबंध किया। लेकिन ये भी दुखद पहलू रहा कि कहीं कहीं नोडल अफसर जो बनाए गए थे उन्होंने रुचि नहीं लिया, हम लोगों के भी कहीं कहीं फ़ोन नहीं उठाया उन्होंने, तो उन अपने जो हमारे मजदूर साथी थे, आप्रवासी मजदूर थे, हम लोगों ने उनको अपनी जेब से भी व्यवस्था किया
और लगभग ऐसे 7,500 लोगों को जिनको सरकारी सुविधा मुहैया नहीं हो पाई तो उनके खाते में उनको RTGS करके उनको पेमेंट भिजवाया गया। स्थानीय स्तर पर अपने लोगों से कह करके उनको खाने की और उनके उनके पैसे की व्यवस्था कराई गई और उनको वापसी की भी व्यवस्था कराई गई बड़ी संख्या में लोगों को। और जहाँ तक क्षेत्र का सवाल है, क्षेत्र में हमने लगभग 10,000 खाद्यान्न पैकेट, सूखा खाद्यान्न पैकेट, खासकर उन लोगों को जिनके पास राशन कार्ड नहीं थे उस समय, जिनके पास खाने की व्यवस्था नहीं थी, बहुत गरीब लोग थे, बहुत से उसमें बंजारे, भिक्षा मांगने वाले लोग, फकीर और ऐसे लाचार लोग जिनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही थी, उनके तक खाद्यान्न का पैकेट भी भिजवाया गया। लोगों को जागरूक किया गया कि कोरोना से कैसे बचना है, सोशल डिस्टेंसिंग, मॉक्स की व्यवस्था कराई गई। अभी तक लगभग 25,000 से ज़्यादा ऐसे लोगों के अंदर मॉक्स भिजवाए गए, सैनिटाइजर भिजवाए गए, कई गांवों को लगातार सैनिटाइजिंग कराई गई वहां पर। और जो भी इस विपदा में एक क्षेत्र के विधायक होने के नाते हमारी खड़ी होने की जिम्मेदारी थी, उसका भरसक प्रयास आज भी कर रहे हैं कि इस महामारी में अपनी गरीब जनता के साथ, अपनी कमजोर जनता के साथ और परिवार रूपी अपनी ऊंचार विधानसभा के साथ ही नहीं बल्कि जिले में भी जहाँ पर लोगों ने संपर्क किया वहाँ पर भी हम लोगों ने खड़े होने का काम किया और सहयोग करने का काम कर रहे हैं लगातार। आज उत्तर प्रदेश सरकार का एक फैसला आया है लॉकडाउन को लेकर कि सैटरडे संडे दो दिन बंद ही रहेगी। अच्छा, पहले के लॉकडाउन को कैसे देखते हैं आप, क्या लगता है आपको कितना कारगर साबित हुआ और अभी के फैसले के बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, देश विश्व के कई देशों ने जी लॉकडाउन के फैसले लिए, ये भी एक बहुत टेक्निकल मुद्दा है। लॉकडाउन कब होना चाहिए और कब नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन कहाँ पर कितनी कड़ाई से होना चाहिए, कहाँ कितनी ढील देनी चाहिए, हम समझते हैं कि इसमें ICMR और जो हमारे तमाम विशेषज्ञ हैं चिकित्सा क्षेत्र के, उनकी राय को लेकर के किया जाता है। लॉकडाउन 24 तारीख से चला उत्तर प्रदेश में, लॉकडाउन 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, अब अनलॉक 1-2 चल रहा है। देखिए, जहाँ तक संख्या का सवाल है, अभी भी देश में लगभग 135,000 और 150,000 के बीच में ही जाँच हो रही है। भारत 135 करोड़ की जनसंख्या वाला देश है, अगर हम 1.5 लाख से इसका अनुपात निकालें तो लगभग हम एक महीने में 45 लाख लोगों का हम की जांच कर पाएंगे। जी, जी, जी। अगर इसका हम अनुपात निकालें तो पूरे देश में तमाम जो इफेक्टिव लोग होंगे इनकी जांच में बहुत लंबा वक्त लगेगा। मेरा मानना है कि सरकार को जांच और तेजी से बढ़ाना चाहिए, बढ़ाने की आवश्यकता है, इसलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा और जल्द से जल्द जो लोग COVID-19 से इफेक्टिव हैं वो आएँ, उनको क्वारंटाइन किया जाए, उनका इलाज किया जाए, उनसे जुड़े हुए लोगों को क्वारंटाइन किया जाए और इसको व्यापक फैलने से रोका जाए। देखिए, COVID-19 एक बड़ी चुनौती है देश के सामने, उससे बड़ी एक चुनौती देश के सामने दूसरी खड़ी हुई है, वो चुनौती मैंने कहा गरीबी है, वो बेरोजगारी है। आज करोड़ों की संख्या में देश के तमाम राज्यों में रह रहे आप्रवासी मजदूर, श्रमिक, कार्यरत लोग आज वापस आ गए हैं, आज वो गांव में हैं। कोई MBA किया था, कोई BBA किया था, किसी ने डिप्लोमा कर रखा था, किसी ने ITI कर रखा था और अपने जॉब और अपनी योग्यता के अनुसार उसे कहीं ना कहीं नोएडा से लेकर के गुड़गांव तक उससे जॉब मिला था। आज उनका जॉब छूट गया, उनकी पत्नी है, उनके बच्चे पढ़ रहे थे, उनके खर्चे हैं। अगर सरकार ये कहे कि हम उन्हें मनरेगा में लगा करके हम उनको रोजगार दे देंगे तो जो संभव नहीं दिखाई दे रहा, जो पोस्ट ग्रेजुएट है वो मनरेगा में मजदूरी करने से रहा लेकिन जॉब उसका छूट गया है, आज प्राइवेट जॉब भी उसके पास है नहीं, उस समय उसके सामने बेरोजगारी और बेरोजगारी से एक गरीबी और अभाव एक बड़ी समस्या आज उनके सामने खड़ी है। तो एक तरफ चुनौती है कोरोना, एक तरफ खड़ी है मुबा करके बेरोजगारी, देश में GDP एकदम जीरो पर चली आई, रोजगार लगभग ठप हो गए हैं, बहुत से राज्यों में जो उन्होंने अपने उद्योग को चालू करना चाहा वहां पर अब उनके पास लेबर्स की क्राइसिस है। तो उस तरीके से जब आज देश में COVID-19 एक बड़ी चुनौती है, दूसरी तरफ मेरा मानना है कि गरीबी, अभाव, गांव में अशिक्षा, CSC और PSC में इलाजों का अभाव, पैरामेडिकल स्टाफ का अभाव, उपकरणों का अभाव, ये भी बड़ी चुनौती है। आपके जानकारी में दे दें, जब देश में लॉकडाउन लगाया गया और COVID-19 ने भारत में प्रवेश किया,
तो लगभग 10,000 और 12,000 के बीच में वेंटिलेटर्स की संख्या भारत में बताई जाती रही है। आज भी हम वेंटिलेटर्स नहीं बढ़ा पाए, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं बढ़ा पाए, और मैं भी ये महसूस करता हूँ कि एकाएक कोई पैरामेडिकल स्टाफ कोई सरकार बढ़ा नहीं सकती नहीं है सकती जी। लेकिन उसकी व्यवस्था कहीं ना कहीं इस वैकल्पिक व्यवस्था में सोचनी होगी, कोशिश करनी होगी। इसलिए ये जो COVID-19 के जो संकेत दिखाई दे रहे हैं, वो पहले लोग कहते थे कि 2 महीने 3 महीने में इसका असर कम हो जाएगा, जब मई जून का महीना आएगा टेम्परेचर बढ़ेगा, कोविड के प्रभाव में कमी आएगी, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिल रहा है। बीते 3 दिनों में हम समीक्षा करें तो 24,000 25,000 और 27,000 के पेशेंट्स, हमारी जांच जो हो रही है जी, उस जांच के आधार पर इतनी हमारे यहाँ संख्या बढ़ रही है। तो ये कहीं ना कहीं पूरे देश के लिए चिंता का विषय है, और खासकर उस समय कि जब बहुत प्रगतिशील देश जिनके यहाँ बहुत अच्छा पैरामेडिकल स्टाफ है, 1 लाख से ऊपर जिनके पास वेंटिलेटर्स हैं, उनके यहाँ बहुत बेहतर ICU वार्ड हैं, उनको भी कहीं ना कहीं संघर्ष करना पड़ रहा है जी, जी, और इससे निपट नहीं पा रहे हैं। तो उस परिस्थितियों में जब अपने भारत देश की उसे तुलना करते हैं, अपने यहाँ के CSC और PSC वार्ड को देखते हैं, और कहीं कहीं ये भी दिखाई देता है कि एक CSC का इंचार्ज वो 2 CSC को चला रहा है, एक फिजिशियन या एक MD मेडिसिन या सर्जन वो 3 CSC और PSC के बीच में भी नहीं है, एक फार्मेसिस्ट वो 3 CSC को चला रहा है, तो उसमें चिंता होती है। स्वाभाविक है, भारत के एक नागरिक होने के नाते हम सबको चिंता भी होती है, और हम लोग ये चाहते भी हैं कि स्टाफ से बढ़ाए जाएं, लोगों को अच्छी सुविधाएं मिलें। और जो एक महामारी देश के लिए आई है जी, इसमें जो केंद्र में और राज्य में सरकारें हैं, ये केवल अकेले अपने सरकारी साधन और संसाधनों से नहीं निपट सकती, इनको विपक्ष की रायों को शामिल करना चाहिए, एकजुट होकर एक दिन दो दिन का तत्काल इनको इमरजेंसी असेंबली बुलाई जानी चाहिए जी, जी, जी। और असेंबली पर इस पर चर्चा करके, कई देशों ने किया है ये, उस पर चर्चा करके ठोस नीत और रीत बनानी चाहिए, और सबसे पहले उस पहलू को जो कल को आने वाले दिनों में हमारे सामने खड़ा होने वाला है बड़ी तेजी से, वो है गरीबी, वो है भूखमरी, और वो है जो बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हुए हैं जी। उनके स्तर पर हम उन्हें क्या रोजगार दे पा रहे हैं, और उसके लिए सरकार ने क्या योजना बनाई है, इस पर भी कहीं ना कहीं सरकार को गंभीरता से सोचना होगा। और इसको विपक्ष को भी, हमने कहा जब युद्ध होता है महामारी आती है तो सत्ता और विपक्ष का नहीं रह जाता, देश को बचाना है तो उसमें जो विपक्ष के बहुमूल्य विचार हैं उनको भी लेना चाहिए। हमारे नेता और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी ने इस चीज़ का बयान दिया है कि सरकार को असेंबली बुलाई जानी चाहिए, और बुला करके इस पर चर्चा करके एक ठोस नीति और रीत बनाई जानी चाहिए। इस मामले में आज सब सरकार के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, और ये भारत देश और ये उत्तर प्रदेश, ये हम सब का है, और सबको उसको बचाने की जिम्मेदारी है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ऊंचाहार विधानसभा के विधायक हैं, हम ऊंचाहार के विकास के बारे में बात कर रहे हैं, कैसा क्या विकास आपने किए जो मील के पत्थर साबित हुए, क्या कहना है इस बारे में आपका? देखिए, डेवलपमेंट एक सतत प्रक्रिया है जी, और मैं अपने मुंह से कुछ इस पर कहूं तो वो अच्छा नहीं रहेगा जी जी जी। मैं समझता हूं कि मनोज पांडे की इस ज़िले में अगर पहचान है तो विकास, संघर्ष और अन्याय के विरुद्ध लड़ने की ही हमारी पहचान है जी जी जी। और जब मैं रायबरेली का नगर पालिका अध्यक्ष भी था तो हमें प्रसन्नता है कि जो उत्तर प्रदेश की 493 नगर पालिकाओं में रायबरेली नगर पालिका लगभग 200 पायदाने नीचे थी, उसको उत्तर प्रदेश की 3 सर्वश्रेष्ठ नगर पालिकाओं में खड़ा करने का अवसर ये हमें मिला था। मैं इस पर गर्व महसूस करता हूँ। जहाँ तक ऊंचाहार के विकास का सवाल है, तो ये मैं नहीं, जो लोग हमको हमसे सहमत नहीं रहते, हो सकता है कि हमको मत भी नहीं देते हैं, तो आज उत्तर प्रदेश में ऊंचाहार विधानसभा में इस चीज़ की चर्चा रहती है कि 2012 से लेकर के अब तक, और खासकर 2012 से और 17 के बीच में अकेले ऊंचाहार में 64 से ज़्यादा ग्राम पंचायतों को समग्र गांव घोषित करा करके जी, पक्की सड़क से, CC मार्ग से, और 100% आवास से सेंचुरेट करके, 100% समाजवादी पेंशन से सेंचुरेट करके उसे गांव के विकास को आगे बढ़ाने का काम किया। 5,200 से अधिक डामर सड़कें, छोटी और बड़ी, गांव और पुरवा और मजरों को जोड़ने वाले का निर्माण, ऐतिहासिक निर्माण
ऊंचाहर विधानसभा में कराने का काम किया, लोगों की कनेक्टिविटी जुड़े तो रायबरेली और फतेहपुर को जोड़ने का काम ऊंचाहार में खरौली में गंगा पर पहले प्लाटून पुल और अब पक्के पुल की स्वीकृति करा करके उसका निर्माण शुरू करा करके दो जिलों को आपस में जोड़ने का काम किया, जिससे आज ऊंचाहार में व्यवसाय बहुत तेजी से बढ़ा है। फतेहपुर का भी व्यवसाय बढ़ा है, फतेहपुर की सब्जी आज ऊंचाहार में बिक रही है जी। और लोगों को उसके अच्छे दर मिल रहे हैं, उसको बढ़ाने का काम किया, अच्छी एजुकेशन मिले और टेक्निकल एजुकेशन मिले। तो हमें लगता है आज़ादी के बाद पहला ITI कॉलेज ऊंचाहार के खोजनपुर में देने का काम किया। जब मैं चुनाव जीत करके 2012 में आया तो पावर हमारे यहाँ एक बड़ी समस्या थी जी। लोग बिजली के दर्शन होने में 5-5, 6-6 दिन लग जाते थे। कई गांवों में तो ये स्थिति रहती थी कि बिजली कटे 15 दिन हो जाता था, लोग बिजली नहीं पाते थे। तो बिजली के लिए पहली बार आज़ादी के बाद लगभग 200 करोड़ की लागत से ऊंचाहार में एक भी सब स्टेशन नहीं था, 5 सब स्टेशन ऊंचाहार तहसील में नया, रसूलपुर में नया, रोहनिया ब्लॉक की इटौरा में नया और इसी तरह जमुनापुर में एक नया, गदागंज में नया, नए सब स्टेशन दे करके उसकी क्षमता की वृद्धि भी कराई गई और जो पावर्स की कमी रहती थी लोड की लोड भी बढ़ाया गया, लोगों को बिजली की सुविधाएं भी लोगों को मिली, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हों। एक CSC पर चल रहा था ऊंचाहार तो उससे दूर रोहनिया के बहुत अविकसित और गरीब क्षेत्र में हनुमानगंज में एक बहुत बड़ी लागत का और बहुत अच्छा अत्याधुनिक हनुमानगंज में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण कराया गया। वहीं अछूतापड़ा दीन सा गौरा ब्लॉक उसमें भी गौरा हरदो में एक नए स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कराई गई। अति पिछड़े गंगा के किनारे तट पर बसे जलालपुर धई में भी स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना की गई। तो वहीं रसूलपुर धरावा में भी स्वास्थ्य केंद्र के 5 नए स्वास्थ्य केंद्रों को देने का काम किया गया। बड़ी संख्या में गरीब मजदूरों को जो श्रम विभाग से जुड़े थे 22,000 मजदूरों को साइकिल देने का काम किया गया। पेयजल के लिए लगभग 9,000 इंडिया मार्का 2 हैंडपम्प, सोलर पैनल, सोलर लाइट, सोलर पेयजल और रोहनिया तो हमारा एक ऐसा विकास खंड है जो आर्सेनिक से और फ्लोराइड के पानी से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा और वहाँ के लोग जो वहाँ आने वाली संतानें थी वो विकलांग पैदा हो रही थी। हमें खुशी है कि लगभग 54 पेयजल की योजना वहाँ पर हम चालू करा चुके हैं और RO का पानी देने के लिए पाइपलाइन से RO का पानी, ये एक बड़ी उपलब्धि मैं मानता हूँ कि जहाँ पर आज हम बात करते हैं पानी के बारे में दूषित पानी के लिए तो रोहनिया ब्लॉक बहुत प्रभावित था। बहुत कुछ पेयजल पर भी हम लोगों ने उस संकट को निकालने का काम किया है। तो लगातार विकास के लिए अपने क्षेत्र में हम जाने जाते हैं, पहचान भी हमारी यही है, उस पर काम करते रहते हैं। S7 के एक दर्शक ने एक सुझाव दिया है जब आपके बारे में पता लगा कि आप आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिस तरह से COVID-19 बढ़ रहा है इसको लेकर एक थर्मो स्कैनिंग, अब जैसे CCTV कैमरा पहले स्कैन दिखाई पड़ता तो अब स्कैनिंग कर लेता है, तो उन्होंने एक विचार व्यक्त किया तो मैंने कहा आपसे अनुरोध मैं भी कर लूँ इसके बारे में, अगर आपको ठीक लगे तो देखिएगा सर कि कैसे हो सकता है। नहीं, अच्छे विचार हैं। एक विधायक होने के नाते हम लोगों ने पहले भी सरकार में और जो COVID-19 था उसमें योगदान देने का काम किया जी। यद्यपि 3 करोड़ रुपए की हम लोगों की धनराशि COVID-19 में दी जा चुकी है। सैलरी से भी हम लोगों के विधायकों से COVID-19 में शेयर हुआ है एक बड़ा हिस्सा। और उसके बाद भी अगर किसी ऐसे चीज़ के लिए जिससे जनता को सीधे लाभ मिल रहा हो जी, तो हम लोग अपनी जेब से भी और अपने निजी संसाधनों से भी इस महामारी में, हमने कहा देश बड़ा है, देश में रहने वाले लोग बड़े हैं, हमको उस गरीब के अंतिम व्यक्ति के ऊपर निगाह रखनी है जो संसाधनों और साधनों से अभाव है, उसके पास खाने की दिक्कत है, हमें उस तक पहुंचना है, उसके साथ खड़ा होना है और उसे गरीबी और अमीरी के बीच में इस COVID-19 में पीछे नहीं देना है। उसके लिए जरूरत पड़े तो अपना सब कुछ बेच करके और अपने को भी बेच करके अपनी गरीब जनता के लिए हम लोग पूरी मजबूती से खड़े रहेंगे, ना उसमें पीछे कभी हटे हैं और ना आगे हटेंगे। अंतिम सवाल, S7 न्यूज़ चैनल ने एक पहल शुरू की है जो उत्तर प्रदेश की खबरें दिखाएगा, रायबरेली की खबरें दिखाएगा, क्या कहेंगे हमारे माध्यम से आप, क्या अपील करेंगे, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमें प्रसन्नता है, आज देश जो है जब COVID-19 से और लॉकडाउन के बीच में गुजर रहा है जी, तो हम समझते हैं कि इस तरह के चैनल उसको सही सलाह देने के लिए, सही रास्ते दिखाने के लिए और सही
बातों को बताने के लिए बहुत आवश्यक हो गए, और मैं समझता हूँ कि एकमात्र बहुत महत्वपूर्ण साधन हो गया है जी। हमें खुशी और प्रसन्नता है कि ये सेवन रायबरेली से प्रदेश में, प्रदेश के अन्य जिलों में अपने जो उनके मुख्यालय और ऑफिसेस हैं वहाँ सर प्रदेश की समस्याओं को रखने के लिए, प्रदेश के लोगों की बात रखने के लिए और प्रदेश के लोगों को न्याय दिलाने के लिए काम करने जा रहा है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और मुझे शुभकामनाएं ही नहीं देनी बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है, विश्वास है यस सेवन न्याय दिलाने में और सच दिखाने में उत्तर प्रदेश के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए हमारे संवाद कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो ये थे कैबिनेट पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि COVID-19 पर उनके द्वारा किया जा रहा प्रयास लगातार जारी रहेगा। फिर होगी आपसे मुलाकात, नमस्कार। थैंक यू भैया।